गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। चैप्टर नंबर 1 आज हम शुरू कर रहे हैं, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 और द नेम ऑफ द चैप्टर इज वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अभी तक आपने 6th से लेकर 10th तक कौन कौन से नंबर पढ़े, कौन कौन सी संख्या पढ़ी, जल्दी बताओ मेरे को। सबसे पहले आपने पढ़े n यानी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, उसमें 1 था, 2, 3, 4, 5 आगे चलते जाओ, 1 से लेके आगे की गिनती चलते जाओ। इसको क्या नाम था? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? होल नंबर। होल नंबर में क्या था? 0 जोड़ दिया था तो 0 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 आगे चलते जाओ, केवल 0 जोड़ दिया। फिर तीसरा नंबर आया जिसका नाम था इंटीजर्स और हिंदी में कहते थे पूर्णांक, हाँ? और पूर्णांक में माइनस भी था, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 दोनों तरफ, इधर तो पॉजिटिव है नंबर्स, उधर नेगेटिव नंबर्स थे। उसके बाद हमने पढ़ा भिन्न वाले अंक, भिन्न वाले फ्रैक्शंस वाले, बटा बटी वाले, जिसका नाम दिया रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। मान लिया 2/3, 4/5, 1/2, जो भी जितने भी फ्रैक्शंस वाले थे वो आ गए। उसके बाद हमने एक और पढ़ा क्लास 9th में, उसका नाम दिया एस और उसका नाम था अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर। और सबको जब जोड़ दिया, सबको, सारे जितने प्रकार के नंबर हैं सबको जोड़ दिया तो बन गया आर, जिसको इंग्लिश में बोला रियल नंबर्स और हिंदी में बोला वास्तविक संख्याएं। आ जाओ, आज हम वास्तविक संख्या के बारे में, ये हमारा 10th क्लास का चैप्टर है। क्लास 9th में वास्तविक संख्याओं को खोज करने की प्रारंभ की, अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। और इस अध्याय में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है, कोई धनात्मक पूर्णांक और ए और बी से संबंधित है और इसकी लंबी विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूप में हम जानते हैं और इससे हम महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF भी निकालेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। कंपोजिट नंबर जो है भाज्य संख्या, उसको अभाज्य संख्या में हम गुणन खंड कर सकते हैं तो उससे संबंधित यह है। हमने ये √2, √3, √5 जो था वो अपरिमेय संख्या थी, लेकिन इसको सिद्ध करने का काम हमने 9th क्लास में नहीं किया, वो 10th क्लास में करने वाले हैं। परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग कब होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, शांत कब होगा और अनवासनी अशांत आवर्ती कब होगा, ये भी हम पता लगाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। प्रमेय का है, देखो ये शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देना, प्रमेय का। एक होता है प्रमेय जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम, एक है प्रमेय का जिसको इंग्लिश में नाम दिया लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या होता है? सबसे पहले छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे। लेमा क्या होता है या प्रमेयिका क्या होती है? तो जरा इसी बुक में लिखा है, लाइन में जरा देख लो। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। कोई एक स्टेटमेंट है, कोई एक फार्मूला है, वो सिद्ध किया हुआ है, उससे दूसरा फार्मूला सिद्ध करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रमेयिका। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई एक पहेली बता रहा है, कोई सड़क के किनारे अंडे बेच रहा था, उसके बाद दूसरे ने कुछ झगड़ा हो गया, टोकरी से अंडे वंडे गिर गए और अंडे गिर गए तो उसने झगड़ा हो गया तो पूछा, भाई अंडे कितने थे तुम्हारे? तो अब अंडे वाले ने बोला, सर मैं कैसे बताऊं? बोलता है, 2-2 गिनोगे तो 1 बचेगा, 3-3 गिनोगे तो 2 बचेंगे, 4-4 गिनोगे तो 3 बचेंगे, 5-5, 6-6, 7 और सब मिला के मेरी टोकरी में ज़्यादा से ज़्यादा 150 अंडे आ सकते। पर ये फार्मूला ये मुझे मत पता नहीं है कैसे, लेकिन ऐसे आप करो तो गिन सकते हो। ये तो बड़ा जोरदार बताया। तो हमारे मैथमेटिशियन ने जरा दिमाग लगाया, क्या किया? अब आप फॉर्मूले पे आ जाओ। मान लिया ए अंडों की संख्या है ए, 7-7 गिनोगे, मान लिया 7, तो क्या बचना चाहिए? 0। पी कोई संख्या है, कितनी बार गिनोगे करके, 7-7 करके अंडे गिनोगे तो 0 बचना चाहिए। ओके, फॉर्मूला मिल रहा है। दूसरा बोल रहा है 6-6 करके गिनोगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। अच्छा, फिर कह रहा है 5-5 करके गिनोगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। फिर कह रहा है कि अगर 4-4 करके गिनोगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। फिर कह रहा है 3-3 करके, 3-3 करके गिनोगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। फिर कह रहा है कि अगर 2-2 करके गिनोगे तो कितने बचेंगे? 1 बचेगा। ये मेरे पास फॉर्मूले आ गए। अभी मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करो, पहले ऐसे ही जो लिखा है उसको पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। देखो, सबसे देखते जाओ। 7p + 0, ठीक है, उसके बाद 6p + 5, A5 कुछ भी लिख सकते हो, या PQ कुछ भी लिख सकते हो, S लिखा है। ये A4T, 3T, 2V कुछ भी लिख दिया मैंने, PP लगाया, ठीक है, मेरी गलती है, लेकिन एनी वेरिएबल यू कैन यूज। और यहाँ B का मान या A और B पूर्णांक के फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले फॉर्मूले पे आओ। फॉर्मूला है ये वाला जो हम सबको मालूम है, क्या है? A = BQ + R। लिखो फॉर्मूला, पहले चलते जाओ, बहुत इजी समझाऊंगा मैं। पहले थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट आ रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। फॉर्मूला पे आ जाओ, वापस मिटा रहा हूं। फॉर्मूला है A + BQ + R, और R जो है वो 0 से बराबर या बड़ा है और B से छोटा है। याद करो डिवीजन वाला, याद करो 9th क्लास में हमने पढ़े थे, सब पढ़े हुए हैं अपन ने। सबको अगर याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला दूं, आपने पढ़ा था PX = GX QX + RX, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलते थे उसको? शेषफल प्रमेय पढ़ा था ना, उसमें आपने पढ़ा था ये कि कोई वो था, पोलिनो बहुपद था, इससे अपन भाग दे रहे थे, ये भागफल था, ये शेषफल था, पढ़ा था। ऐसा ही कुछ एग्जांपल भी बता दूं। मान लिया 15 में 6 का भाग लगाते, तो हमने पढ़ा हुआ है 15 में 6 का भाग लगाओगे तो 6 × 2 + 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? बस इतनी सी बात, बस ये इतनी सी बात समझ लो। बस क्या है ये? a + bq + r। क्या है ये? a कोई बड़ी संख्या है, b से भाग दे रहे हैं, q भागफल आया और r शेषफल आया, बचा जो। तो r तो छोटा ही होगा ना b से, तो इसलिए लिखा हुआ है r छोटा है b से, और 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। छोटा सा फॉर्मूला बिल्कुल आपके दिमाग में डाल दो, फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ b का मान कुछ बता दिया है ऐसा। और अब अपन पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यहाँ इन्होंने कहा कि सात के गुणज का भाग लगे, 7 के गुणज ढूंढो और ऐसा गुणज ढूंढो कि सारे फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले मैंने ऊपर लिखे हैं, इन सब फॉर्मूले में 7 का मल्टीपल, 7 का गुणज, 7×2 14, 7×3 21, 7×4 डालते जाओ। ऐसा कोई फिगर आएगा कि उसमें उसका मामला सेट हो जाएगा। और वो आंसर आ रहा है 119। क्या आ रहा है? 119। ये कुछ नहीं, इसमें लिखा हुआ है कौन सी प्रक्रिया? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या लिखा हुआ है इसमें? जांच एवं भूल विधि। मतलब अलग अलग वैल्यू रख रख के देखो, जांच और भूल विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हटाओ इन सबको। अब आ जाओ काम की बात। इस बात का अनुभव करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, हमने इन युग्मों पर विचार किया। मैंने अभी 15 वाला एग्जाम्पल दिया, इसको देखो। 17 = 6 × 2 + 5। ठीक है, और यहाँ 5 आ रहा है तो 5 = 12 × 0 + 5। +5 क्यों लिखा? क्योंकि ये 5 से तो जो है उससे b से छोटा होना चाहिए या 0 से बड़ा होता है। तीसरा आ गया 20 वाला, 20 और 4, तो 20 = 4 × 5 + 0 बच गया। 3 बार फॉर्मूले मैंने ये लिख दिया और ये मेरा फॉर्मूला भी आ गया। q और r शून्य भी हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो करो। कर ले। दस गुणा 3 × 3 + 1। ठीक है, 4 = 0 × 19 + 4। ठीक है, और 81 = 3 × 27 + 0। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप को करते करते चलेंगे तो बस समझ में आएगा। है बहुत इजी, मज़ा आता है। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? q और r अद्वितीय, ये फॉर्मूला को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, ये भागफल और कोशेंट रिमाइंडर की बात हो रही है। अब आ रहा है प्रमेय। अब आ जाओ प्रमेय। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि इस फॉर्मूले में सेट होती है। तो इसको उसकी कोई किताब थी, उसमें लिखा था, जो अपन पढ़ चुके। एल्गोरिथम, एक नया शब्द आया, एल्गोरिथम। एल्जेब्रा नहीं, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम नया शब्द आया है। ये क्या चीज होती है? एल्गोरिथम का मतलब होता है जो एक प्रकार की समस्या यानी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्टेप होती है, विधि होती है, प्रक्रिया होती है, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। और कंप्यूटर वालों के लिए बहुत काम आती है, सॉफ्टवेयर लिखने वाले के लिए बहुत काम आती है, उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। तो एक नई चीज़ समझ में आई, कभी आपको समझ में सुनने में आएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। एल्गोरिथम, हाँ, फटाक से समझ में आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, परिकलित करने की एक तकनीक है। और HCF क्या होता है भैया? महत्तम समापवर्तक होता क्या? पहले ये बताओ, महत्तम समापवर्तक मान लिया कोई संख्या ए और बी है, उनमें ऐसी संख्या जो दोनों को भाग दे सकती हो और वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ा हुआ है 6-7 में पढ़ा हुआ है, अभी और पढ़ लेंगे। अब हम निकालने वाले हैं एल्गोरिथम से कैसे काम करती है और एचसीएफ कैसे आता है, हम देखने वाले हैं। शुरू करें, अब प्रैक्टिस शुरू करें। सबसे पहले मैं 2 अंक दिए 455 और 42, ठीक है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं 455 बराबर 42 को 455 में भाग लगाया तो 10 बार गया और 35 बच गया। अब क्या करना है, अब करना है 42 और 35 को उठाना है, तो 42 बराबर 35 गुणा 1 कितना बच गया बच्चों, 7। अब क्या करना है, 7 को और 35 को उठाना है, तो 35 बराबर 7 और 5 35 प्लस 0 बराबर 0 बच गया। अब ये जो संख्या आई 7, ये हमारा एचसीएफ है। बस शेषफल 0 आ गया है, तो भाजक 7 ही 455 और 42 का एचसीएफ है। तो इनको आप अगर प्रूव करना हो तो 455 और 42 के गुणनखंड निकालो और अपनी पुरानी विधि से इसको करके देख लो। अभी हमने महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकाला इस विधि से, और ये विधि जो कहलाती है इसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और जरा क्या लिखा है वो भी पढ़ लो। 2 धनात्मक पूर्णांक को मान लीजिए सी और डी का एचसीएफ ज्ञात करने के नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण कीजिए। वही फॉर्मूले हैं, कोई चिंता की बात नहीं, अलग से नहीं है। फिर ये कहा है कि ये जो एचसीएफ है ना, ये जो एचसीएफ है ना, ये सबका एचसीएफ है। सबका मतलब क्या है, सबका मतलब ये है, मैं मिटा रहा हूं ना सबको यहां पे, सबका मतलब ये है, ये 455 और 42 का भी एचसीएफ है, 42 और 35 का भी एचसीएफ है, 35 और 7 का भी एचसीएफ। जितनी स्टेप बीच में आ रही है, जितनी स्टेप, उन सब का अगर दोनों अंकों का एचसीएफ निकालना हो तो 7 है। ये बात दमदार है यूक्लिड के फार्मूले में, बाकी तो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बात कुछ दमदार है। चलो इसको भी प्रूव करते हैं, देखते हैं। चलो उदाहरण नंबर 1 पे आ जाओ। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है, 4052। अब आया मस्त सवाल, 4052 और 12576 का हमको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले 12576 में 4052 का भाग लगाया, 4 तिया 12 कुछ आया, बचा 420, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगली स्टेप में हमने क्या किया, 4052 में 420 का भाग लगाया, 9 बार गया और 272 बचा। भाग लगा के देखना शेषफल कितना बचता है। ये मैंने किया, ये 420 बचा, फिर 420 और इसको लिया तो ये आ गया 4052, 420 × 272। अब क्या करना है, 272 और 420 को लो, तो 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148, फिर ले 148 और 272 करो, तो 272 बराबर 148 गुणा 1, 124 बच गया। फिर 148 और 124 करो, तो 148 इक्वल टू 124 × 1 प्लस 24, फिर 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 4, फिर 24 इज इक्वल टू 4 × 6 प्लस 0। अब ये जो 4 आया ना आपके पास, 4, ये जो 4 लास्ट में, ये 4 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। ये हुई कुछ बात। शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। इस स्थिति में भाजक 4 है, इसलिए 12,576 और 4,052 का एचसीएफ 4 है। हाँ, ये बढ़िया सवाल है, मस्त है। अच्छा, ये बात भी, अब ये जो 4 आया, ये 24 और 4 का भी एचसीएफ है। 124 जो जितने बीच में आ रहे थे, देखते जाओ, मैं इसको साफ करता हूँ। जितने बीच में आ रहे थे, 24 और 4 का भी एचसीएफ 4 है, 124 और 24 का भी एचसीएफ 4 है, 148 और 124 का भी है, 272 और 148 का भी है, 420 और 272 का भी है, और 4,052 और 420 का भी है। सब का एचसीएफ क्या है? 4 है। इसलिए न केवल बड़ी संख्याओं को परिकलित करने में उपयोगी, अपितु इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये उन एल्गोरिथम में से एक है जिनका कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया। कुछ लोग इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, कुछ लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो दोनों सेम है क्या? सेम तो नहीं है। प्रमेय का तो सिद्धांत है और एल्गोरिथम मेथड है ना, विधि है। लेकिन दोनों इतने अंतर्निहित हैं कि लोग इसको एक समझते हैं। यद्यपि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लिखा गया है, परंतु सभी पूर्णांकों शून्य को छोड़कर के लिए लागू किया जा सकता है। और अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के और क्या क्या अनुप्रयोग हैं उसको भी हम देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 आ जाओ। उदाहरण नंबर 2, अब थोड़ा अलग क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 और प्रश्नावली 1.1 जल्दी से करेंगे। उदाहरण नंबर 2, अभी तक आपको मस्त में धीरे धीरे समझाया, आज आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बेस पे चलते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तब प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये हमको दर्शाना है। पॉजिटिव इवन इंटीजर मान लिया, ये पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक मान लिया 2q है, तो विषम पूर्णांक हो जाएगा 2q+1। अब अपन ऐसी परिस्थिति में b जो है सम संख्या लेनी है, तो b बताओ, हम इमेजिन करते हैं a = 2q+r। एक फॉर्मूला लगा, 2q लाए 2 इसलिए लाए क्योंकि हमको सम संख्या दी हुई है, तो 2 से गुणा कर देते हैं। और r क्या संख्या है? r जो है 2 से छोटी होनी चाहिए और 0 से या बराबर या बड़ी होनी चाहिए। जरा देखो क्या लिखा है। मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक और b बराबर 2 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से किसी पूर्णांक q इक्वल 0 के लिए a इक्वल 2q+r है, जहाँ r इक्वल 0 या r इक्वल 1 हो सकता है, क्योंकि r का मान 0 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए, इसलिए r बराबर 0 हो सकता है या r बराबर 1 हो सकता है। अब उस फॉर्मूले में आप दोनों बार मान रख दो। ये मैंने मान रखा। पहले फॉर्मूला मेरे पास क्या था? a = 2q+r। मैंने r को 0 रखा तो ये आ गया, मैंने r को 1 रखा तो ये आ गया। तो ये मेरे सारे सम संख्या वाले हैं और ये मेरे सारे विषम संख्या वाले हैं। कोई कंफ्यूजन आया? कुछ आपको समझ में कम आया? कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला है। इसमें b को 2 मानना है, बस। क्या लिखना है? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बी बराबर 2 है और इस फॉर्मूले को फिट कर देना है। जब बी 2 आ गया तो R का मान B से छोटा होना चाहिए, इसलिए 0 या 1 होगा। दोनों को अलग अलग रख लो। A इज इक्वल टू 2Q तो समपूर्णांक है और इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप में होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आ रहा, कोई चिंता मत करो, उदाहरण नंबर 3 पे आओ। उदाहरण नंबर 3 पे और आगे प्रश्नावली में भी ऐसे सवाल करेंगे, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अगला, कभी कभी मैथमेटिक्स में एक बात बताता हूं, कभी कभी मैथमेटिक्स में कोई चीज पहली बार आती है तो आपको हल्का सा कंफ्यूजन होता है, तो क्या करना चाहिए? बच्चे लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन पे ही बैठ जाते हैं कि अब तो आगे कैसे जाएं, हमको तो ये आता नहीं। तो क्या करना चाहिए, आगे वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जाइए तो धीरे धीरे वो पहले वाला भी जो समझ में नहीं आ रहा था वो समझ में आने लग जाता है। क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से अपने को आइडिया मिलता है। उदाहरण नंबर 3, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q+1 और 4Q+3 के रूप का होता है। बड़ा अजीब अजीब क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक a ले लेते हैं और यहां b को क्या मान लेते हैं, 4। क्यों? क्योंकि हमको प्रूव यही करना है। हमने b को 4 मान लिया तो इसका मतलब जो r है वो 0, 1, 2 और 3 हो सकता है, क्योंकि वो 4 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये मेरे पास फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में मैं उसको रख दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, मेरे पास इक्वेशन थी a इज इक्वल टू 4Q+R, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 रखा, r इज इक्वल टू 1 रखा, r इज इक्वल टू 2 रखा, r इज इक्वल टू 3 रखा। अब यहां पर आप देखें पूछ क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है विषम पूर्णांक। क्या पूछ रहा है, विषम। विषम कौन सा होगा, इसमें से ये तो विषम होगा नहीं, ये तो सम संख्या 4Q, ये विषम होगा नहीं, तो बचा कौन सा? तो विषम पूर्णांक है 4Q+1 और 4Q+3। इतना सा बात है, ये हमने किया, ये आ गया है ना। ए विषम पूर्णांक जब 4Q+4Q+2 के ऊपर नहीं हो सकता है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q+1 और 4Q+3 के रूप का होगा। चलो आगे, उदाहरण नंबर 4 करेंगे। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, अच्छा, और 150 बादाम की बर्फियां, ओके। उनको ऐसी ढेरिया बनाना है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, हाँ? और ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, और इस काम के लिए प्रत्येक ढेरों में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। क्या करना है, क्या करना है, निकालें HCF। क्या निकालें, 420 का और 130 का निकाल लें HCF। हो जाएगा क्या उससे, होगा कि नहीं होगा? यह कार्य जांच है मूल विधि से किया जाता, परंतु इसे क्रमबद्ध रूप से करने के लिए हम इसका HCF निकालते हैं, और HCF में हम क्या करते हैं, डेयरी में प्रत्येक बर्फी में रखने अधिकतम संख्या प्राप्त होगी जिसमें डेयरियों की संख्या न्यूनतम होगी। बर्फियों की संख्या तो अधिकतम होगी और डेयरियों की संख्या न्यूनतम होगी, तो बर्फियां न्यूनतम स्थान घेरेगी। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला, यूक्लिड फॉर्मूला लगाओ। यूक्लिड के फॉर्मूले से करेंगे। सबसे पहले 420 बराबर 130 गुणा 3 बचा क्या, फिर 130 बराबर 30 गुणा 4 बच गया 10, फिर 30 बराबर 10 गुणा 3 0 10। HCF क्या आया, 10। तो प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। इतना इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा आया। और आज हमने नई चीज पढ़ी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा भी कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हिंदी में कहते हैं। चलिए प्रश्नावली 1.1 आ जाओ। अपने आप करोगे कि मेरे साथ करोगे बताओ। पहले वीडियो पॉज करो, कोशिश तो करो। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए। सबसे फर्स्ट है 135 225 इज इक्वल टू 135 गुणा 1 और प्लस बच गया 90। तो 135 इज इक्वल 90 इंटू 1 बच गया 45, 90 बराबर 45 गुणा 2 जीरो। एचसीएफ आ गया 45। पहला क्वेश्चन नंबर 2, 196 और ये 38,220, थोड़ा ज्यादा बड़ा है ओके, लेकिन हमने जब डिवाइड किया ना तो 195 टाइम्स गया और जीरो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ लिखना ऐसा नहीं है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ऐसा आंसर नहीं है। यू हैव टू डिवाइड इन योर रफ पेपर, एग्जाम में डिवाइड करना पड़ेगा, कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं। तो पहले आप लोग भी डिवाइड करो, ऐसा नहीं है सर ने कह दिया हाँ हो जाएगा नहीं, एग्जाम में गलती हो जाएगी। या जीरो आ गया इसलिए एचसीएफ 196। इसमें क्या है 867 3 टाइम के 102 बचा, फिर 255 में ये दो बार गया, ये 51 बचा, 102 में ये दो बार गया, ये बच गया 51 लास्ट में आया। तो हमारा महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ जो भी है वो है 51। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आ जाओ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, कुछ नहीं करना है। मान लो b बराबर 6, लिखो। सबसे पहले लिखो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 है, तो फॉर्मूला आ गया a प्लस 6q+r। 6q माना, कौन बताएगा मेरे को 6q माना? 6q माना, मेरे को पूछा ये इसलिए मैंने 6 मान लिया। तो ये जब मैंने 6b इक्वल टू मैंने जब 6 लिया तो r जो है ना हमको पता है b से छोटा होता है, तो R 0 या 0 से बड़ा, B से छोटा, यानी R होता 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। अलग अलग वैल्यू रख दो, 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 6q। अब इसमें विषम पूर्णांक कौन होगा? विषम पूर्णांक कौन सा है? यस, ये विषम, ये विषम, ये विषम, क्योंकि बाकी तो दिख रहा है सम संख्या है। ये मेरा उत्तर आ गया, इतना तो इजी है ये। तो विषम पूर्णांक के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च। स्तंभ समझते हो, कॉलम, लाइन। बैंड वाले के पास तो है 32 आदमी और पीछे अपनी सेना की जो परेड की टुकड़ी है उसके पास है 616 आदमी। अब 32 की टुकड़ी की लाइन बनाओ और 616 की, तो लाइन एक होनी चाहिए। कितनी लाइनों में बांटेंगे, कितने स्तंभों में बांटेंगे, कुछ नहीं करना है। एचसीएफ निकालो एचसीएफ, यूक्लिड का फॉर्मूला लगाओ। ये लगाया 616 बराबर 32 गुणा 19 बचा 8। भाग देना पड़ेगा बच्चों, भाग देना। 32 इज इक्वल टू 8 चौक 32, 8 आया। एचसीएफ 8 स्तंभों में, 8 लाइनों में आप परेड निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करो। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए ये होता है, m के लिए ये होता है। पहले संकेत दे रखा है, मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, 3q + 2 के रूप में हो सकता है, तो इसको वर्ग कीजिए। ठीक है, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस 3q + r। क्यों किया 3 क्यों किया? 3 इसलिए किया कि यहां पर है ना, ये हमको 3 में दिया हुआ था, इसलिए मान लेते हैं। ये मेरे पास आ गया a प्लस ए इज इक्वल टू 3q + r, q मोर देन 0 और r की वैल्यू होगी 3 से छोटी और 0 से बड़ी, तो r की वैल्यू होगी 0, 1 और 2 अलग अलग रख लेते हैं। तो a बराबर हो गया 3q, 3q + 1 और 3q + 2। निकालो स्क्वायर। a स्क्वायर मैंने किया तो एक तो आया ये या ये या ये, पहले वाले को लिया ये बन गया 9a स्क्वायर और दूसरा वाला हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q + 1। ये हो गया दूसरा वाला 9q स्क्वायर प्लस 12q + 4। अब ये बड़ा अलग तरीके का है, इसमें क्या किया है, इसको 3 को बाहर निकाल के अंदर रख दिया है 3q, इसमें भी 3 को बाहर निकाल दिया, इसमें भी 3 को बाहर निकाल दिया। यहाँ 3 आना चाहिए, यहाँ लास्ट में 3 आना चाहिए। निकाल दिया। अब ये जो तीनों संख्या थी ना, ये बीच वाली, ये और ये और ये, इन तीनों को m मान लिया। क्या मान लो? इनको तीनों को m मान लो। तो क्या बन गया? क्या बन गया? a स्क्वायर बराबर 3m, 3m + 1 और 3m + 3। इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी 3, यहाँ k1 k2 k3 मान लिया, वो भी चलेगा, और केवल m भी मानोगे वो भी चलेगा। तीनों संख्या देख लो शांति से, पूरा क्वेश्चन समझ लो। a इज इक्वल टू 3q + r लिया, इसको अलग अलग 3 वैल्यू निकाल ली, a को स्क्वायर किया, वर्ग पूछा, स्क्वायर किया, ये वैल्यू आई तीनों अलग अलग 1 2 3, इसमें इनको 3 को बाहर निकाला तो ये आ गया, ये इनको इसको m मान लिया, ये आंसर आ गया। ऐसा ही एक सवाल और कर लो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब, यहां पर भी कुछ नहीं करना है, यहां पर लिखना है a = 3q + r, r = 0 1 2। यह आ गया 0 1 2। कर लो इसको, पहले क्यूब निकालो, 27q³ 9 बार निकाल लिया, 9m। दूसरे वाले को भी क्यूब किया, ये क्यूब खोला, खोलना आना चाहिए, खोलना आना चाहिए बच्चों। ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर वहाँ भूलोगे एग्जाम में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, याद है कि भूल गए? फॉर्मूला से खोलो, फिर 3 9 को कॉमन लेके बाहर निकाल लो, फिर ये 9m+1 इसको m मान लेंगे, फिर उसको दूसरा वाला करो, उसमें भी 9 बाहर निकालो, इसको m मान लो, ये 9m+8, तो क्या आ गया 9m+8, फिर 9m+1 और 9m। थोड़ा अलग प्रकार का सवाल है लेकिन करना जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। थ्री क्यूब प्लस 1 का खोला, इसका क्यूब बना दिया ना, ए क्यूब बना, इसको खोला, इसको क्यूब करेंगे, ये इसका क्यूब करेंगे, एक बार मैं कुछ मिटाता हूं। ये मेरा आंसर आ रहा है 1 2 और 3। वापस से क्वेश्चन को देख लो। ओके, आज मैं मेरा सेशन को यहीं क्लोज कर रहा हूं। आज मैंने 1.1 सारा कर लिया और 1.1 तक आपको एक बार शांति से जो मैंने पढ़ाया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ढंग से कर लेनी, बहुत इजी है। ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, ये पार्ट, और एक्सरसाइज 1.1 पूरा करके आपको प्रैक्टिस करके यू शुड राइट डाउन इन योर कॉपी, सो दैट जब अपन दोबारा पढ़ेंगे हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, वो बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो बी प्रिपेयर्ड। ओके।